दोस्तों मैं वो आपका हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है, वैसे तो बहुत जल्दी जा रहा हूँ मैं वो बनाने, वैसे मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस करवाने जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या मिलता है देखने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंश्योरेंस ख़त्म हो गया और लॉकडाउन के बीच में ख़त्म हो गया, और इसको करवाना भी खैर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं होगा कल को दिक्कत रहेगी। जिससे मैं इंश्योरेंस कराता हूँ वो भी पता नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठा है, तो इस बारे में कुछ ज़्यादा खास मुझे पता नहीं चल रहा कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है। बाकी देखते क्या मिलता है देखने के लिए, और बाकी ब्लॉग तो अपनी हाँ वो बात अलग है, बहुत दिनों के बाद मोटो ब्लॉग हो रहा है मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है यार लॉकडाउन काफ़ी चल रहा था, उसके बाद अनलॉक आ गया, उसके बाद तुम्हें बस मेन चीज़ तो ये होती है कि घर वाले घर से जाने नहीं देते, तो उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोच के रखना पड़ता है कि क्या क्या सीन चलता रहता है, आप लोग जानते हैं वीडियो के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बाइक का पॉल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉल्यूशन भी ज़रूरी है, इंश्योरेंस भी ज़रूरी है, हमारी सेफ्टी लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन देखते हैं, अगर इस टाइम पे अगर पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो फिर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे कि ये वाली कंडीशन सबसे ज़्यादा बेकार रहती है कि पुलिस वाले पकड़ लेते हैं फिर उसके बाद लपड़ा ही जाता है, तो फिर वो सुनते हैं नहीं, डायरेक्ट फिर चला नहीं कटता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो देखते हैं बाकी क्या मिलता है देखने के लिए, यहाँ से कॉलेज भी जाऊँगा थोड़ा, और इंश्योरेंस भी करा कर आऊँगा अपना नहीं मतलब अपनी बाइक का, दो बात अलग है, दोनों का एक ही मतलब हो गया, बाइक इंश्योरेंस, बाइक भी तो हम ही हैं पर हमें तो बाइक है, और अगर बैठा हो तो और भी अच्छी बात है, वही चीज़ है देखते हैं क्या मिलता है देखने के लिए। बाकी वैसे मौसम बहुत सही है, अगर देखा जाए तो मौसम काफ़ी बढ़िया हो रहा है यहाँ पे, तो यार ये रहती है आगे से करवाओ अपने वाले से करवाने में ही रहना, कि वो बंदे पे मतलब भरोसा रहता है ना जिस बंदे पे, तो फिर उससे करवाने का कुछ एक अलग ही वो रहता है, फिर उससे भरोसा वो कराओ कल को कुछ हो जाता है तो फिर बंदे को ये नहीं रहता ना कि हाँ भाई। और दूसरा ये है, अभी तो बहुत साफ कर ली मैंने बाइक, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे बारिशों में यही दिक्कत रहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो वो है कवर वो गल गया, और कवर गल गया ना तो वहाँ पे ना मुझे काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि कवर गल गया, उसका मतलब तुम लोगों को पता है जैसे बाइक की उस तरफ से आने जा रहा है, और ये एक टाइम ऐसा टाइम होता है इस टाइम से ही बाइक में रस लगना शुरू होता है, रस लग रहा है आपको पता है, ये देखो पानी आ रहा है और ऊपर से इसके ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर भी अभी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये वाला मौसम वैसे तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसमें हम जैसे ब्लॉगरों के लिए ना बहुत फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, हम लोगों को ब्लॉगर के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोगों को पता है इस मौसम में मतलब गर्मी का कोई चांस नहीं, और अभी देखो मैंने फुल स्लीव की शर्ट पहन रखी है, टी शर्ट, और इस टाइम पे और साथ का मास्क भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना भी पड़ता है, आप लोगों को पता है जैसे कि बहुत सारा चक्कर रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे मेरे लिए, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यार थोड़ा सेफ भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है काफ़ी मतलब ये टाइम एक ऐसा टाइम चल रहा है ना कि इस टाइम पे अपने आपको बहुत ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत है, मतलब हम ना चाहते कोई भी वो वायरस अपने ऊपर आ जाना और फिर बाद में दिक्कत होना फैमिली को ले जाए, तो वो चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझते, इसलिए मैं भी पता बहुत कम ब्लॉग बहुत ही कम क्या मैं आपको लास्ट टाइम पर लॉकडाउन के बाद आप लोगों को पता होगा मैं अब ब्लॉग का बना रहा हूँ, और मैं ना यार तो मैं रास्ता भी भूल गया, ये तो इग्नू का रास्ता ही है तो मुझे पता है, बट अब मैं प्रेयर ये करता हूँ कि जिसके पास मुझे जाना है ना वो मतलब मेरा वो कर दे इंश्योरेंस कर दे, इंश्योरेंस एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाए ना फिर बाइक में उसको ना थोड़ा सा राइड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होती नहीं है, एक बार बंदा करा लेता है ना ये सारी चीज़ें तो इन चीज़ों को ना मतलब इतना वो नहीं रहता कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में बंदा ना इनको फेस कर लेता है। अब बाकी देखते हैं, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में मेन रोड से जा रहा था, अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट के चक्कर में, तो मेरे को याद नहीं है वो है कहाँ, बाकी देखते क्या मिलता है देखने के लिए, और जब तक ये है कि बस कोई पुलिस वाला ना मिल जाए, क्योंकि ऐसे टाइम पर पुलिस वाला मिलना ना बहुत ज़्यादा मतलब डेंजरस फॉर मी एंड माई बाइक ऑल्सो, शायद मुझे लग रहा है कि यही है शायद, बट आई थिंक यही हो, हाँ यही है, बस इसमें खोल रखा हूँ भरोसा है। अबे यार ये तो बंद करके बैठा है, संडे क्लोज,
संडे क्लोज चेक। संडे क्लोज ध्यान नहीं दिया यार, आज संडे है। संडे क्लोज मैं यार, मुझे लग ही रहा था यार, तो फोन नहीं लगा ना, मेरे को लगा लेना था। अभी मुझे एक्चुअली में आगे जाना है, अब सॉल्यूशन तो नहीं बहुत ज़रूरी है, मतलब इसके बाद ना मतलब थोड़ा सा ये रहा था कि हाँ बंदा कंफर्टेबल ही होकर बाइक चलाता है। ये देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, मतलब हेलमेट से इम्पोर्टेंट तो यार कुछ भी नहीं है, हेलमेट पहन लो, मास्क की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा मानना तो ये है। बाकी अभी आगे वाले पे जाके देखता हूँ, अगर वो कर देता है इंश्योरेंस भी कर दे तो भी करवाऊँगा, क्योंकि ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए इस टाइम तो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को। तो बाकी सफ़र का जो भी तो वो करते रहते हैं, और बाकी देखते हैं यार, मज़ा तो पानी में चलाने में जाता भाई, बस एरियत नहीं है भाई, ABS हो तो बंदा कहीं भी चला दे यार, हवा में चला दे, ये ज़्यादा हो गया। ABS वाली बाइक से मैंने ये चीज़ देखी भाई, जहाँ ब्रेक मारो ना भाई, मुश्किल से एक डेढ़ मीटर में बाइक रुक जाती है। वैसे तो मैंने एक ब्रेकिंग सिस्टम हम लोगों के लिए भी बना रखी है, 125 cc के ऊपर भी बना रखी है मैंने ब्रेकिंग सिस्टम, बट लेकिन अभी क्या है ना, वो जो सिस्टम है वो, क्योंकि देखो अभी जो मैं टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे खुद यूज़ करता हुआ एक साल हो गया, लेकिन मैं ये चीज़ चाहता हूँ ना कि जो एक साल मुझे हुआ है, मैं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मुझे आए, मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम आए। तो मेरे लिए ना वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए तो मेरे को जो भी सिक्योरिटी पर ध्यान रखना है वो अपने हिसाब से ही ध्यान रखना है इसलिए, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्रेकिंग सिस्टम पे छेड़खानी करना मैं भी खुद नहीं मानता, लेकिन जब से मैंने ये सिस्टम लगाया है, मतलब खुद लगाया है, तो तब से मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्रेकिंग मुझे पहले मिल रही थी उससे काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम मुझे अब मिल रहा है, काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम मुझे अब मिल रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सही भी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट भी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा सही भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। बाकी अभी देखते पेट्रोल पंप के लिए यार, यहाँ पर साइड में वो रास्ता था, मैंने गलती कर दी, मुझे सर्विस लाइन पे जाना चाहिए था, आगे यू टर्न पता नहीं कितना आगे होता है।